जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को, मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिलने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि यदुवंशी अगर क्षत्रिय होते हैं तो इनको गाय चराने वाला, ग्वाला, दूध बेचने वाला आखिर क्यों कहा जाता है? और कभी भी आप देख लीजिए, अगर कोई यादव अपने आप को वैदिक क्षत्रिय कहे या क्षत्रिय होने का दावा करता है तो कुछ लोगों के पिछवाड़े में न जाने क्यों आग लग जाती है और वो यादवों को अपमानित करने के लिए गाय चराने वाला, दूध बेचने वाला जैसे शब्दों से अपमानित करने का काम करते हैं। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये महाभारत पीरियड से हो रहा है। अगर आपने देखा होगा तो महाभारत काल में भगवान कृष्ण को भी जो दूसरे क्षत्रिय राजा थे, जैसे कि दुर्योधन था, जैसे कि शिशुपाल था, वो भगवान कृष्ण को जब भी अपमानित करना चाहते थे तो भगवान कृष्ण को ग्वाला, गाय चराने वाला, दूध बेचने वाला, इस तरह के शब्दों से अपमानित करने का काम करते थे। और आज भी यादवों को जब भी अपमानित करना होता है तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यादवों ने सर्वप्रथम गाय चराने का काम या फिर गाय पालने का काम कब शुरू किया था और यादवों से इसको क्यों जोड़ा जाता है? आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा वो है कि दुनिया के इतिहास में सबसे पहले किसने लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने लोकतंत्र की स्थापना की थी तो वो एक यादव राजा ने की थी। अब वो कैसे की थी वो आपको आगे आने वाली वीडियो में मालूम चलेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो डिसलाइक करके चले जाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत डीमोटिवेट इंसान हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा वैदिक पीरियड में, जब इस पृथ्वी के ऊपर महाराज ययाति का शासन हुआ करता था। बताया जाता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर महाराज ययाति एक छत्र राज किया करते थे, चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। ये बात आप लोगों को भली भांति मालूम होगी कि महाराज ययाति के दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम देवयानी था, जो कि शुक्राचार्य की बेटी थी। दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो कि वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी से दो पुत्र हुए थे, एक का नाम यदु था, दूसरे का नाम तुर्वसु था। यदु से ही यादव वंश की स्थापना हुई थी, तुर्वसु से यवन वंश की स्थापना हुई थी। वहीं दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से तीन पुत्रों का जन्म हुआ था, द्रव्यु, अनु और पुरु। यहाँ पर हम लोग बात केवल करेंगे उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु की, जिससे पौरव वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदु के ही कुल में भगवान कृष्ण और वासुदेव ने जन्म लिया था। वहीं पे पौरव वंश में, जो कि सबसे छोटे पुत्र थे, इस वंश में कौरव, पांडव, भीष्म, इन सब लोगों ने जन्म लिया था। उस समय में कोई भी राजा अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र को ही बनाता था, यानी अपना राजपाठ अपने बाद अपने सबसे बड़े पुत्र को ही सौंपता था। तो इस परंपरा के अनुसार महाराज ययाति को अपने सबसे बड़े पुत्र होने के वजह से यदु को राजगद्दी का देना चाहिए था, राजगद्दी पर बिठाना चाहिए था, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। लेकिन महाराजा ययाति ने ऐसा नहीं किया। राजगद्दी पर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बिठाया, यानी अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे यदु को ना बनाते हुए अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बनाया। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? हालांकि उनके जितने भी राजदरबारी थे, जितने भी सलाहकार थे, उन्होंने उनकी इस बात का विरोध भी किया था,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए अपने सबसे छोटे पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, चक्रवर्ती सम्राट बनाया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों को जाननी बेहद आवश्यक है। बड़े ही संक्षेप में मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो एक वक्त की बात है जब महाराज ययाति के ससुर यानी शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को श्राप दिया था और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि महाराज ययाति की जवानी में ही उनको वृद्धा अवस्था आ जाएगी। ये श्राप सुनने के बाद महाराजा ययाति ने शुक्राचार्य से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हे शुक्राचार्य, अगर मुझे जवानी में ही वृद्धा अवस्था आ जाती है तो आपकी पुत्री देवयानी को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी वृद्ध हो जाऊंगा, इसीलिए आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। लेकिन शुक्राचार्य कहते हैं कि श्राप तो दिया जा चुका है, अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। तो महाराज ययाति संशोधन के बारे में पूछते हैं कि बताइए मुझे क्या करना होगा। तो शुक्राचार्य उनको कहते हैं कि आपके पांचों पुत्रों में से अगर किसी ने अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपनी आधी जवानी दे दी तो आप एक बार फिर से जवान हो सकते हैं। ये सुनने के बाद महाराज ययाति अपने पांचों पुत्रों को बारी बारी से बुलाते हैं और उनको अपनी आधी जवानी देने का आदेश देते हैं। सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को बुलाते हैं और उनसे अपनी आधी जवानी देने का आदेश देते हैं, लेकिन महाराज यदु अपनी आधी जवानी देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हे पिताजी, अगर मैंने आपको अपनी आधी जवानी दे दी तो आप मेरी ही जवानी को लेकर मेरी माता के साथ संबंध स्थापित करेंगे जो किसी भी तरीके से नीतिगत नहीं है। ये पूरी तरह से अनैतिक है, अप्राकृतिक है और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है। ये बात कह के महाराज यदु ने अपनी आधी जवानी देने से मना कर दिया। ऐसे ही एक एक करके महाराज ययाति ने अपने बाकी पुत्रों को भी बुलाया, लेकिन बाकी पुत्रों ने भी अपनी आधी जवानी देने से इनकार कर दिया, सिवाय सबसे छोटे पुत्र पुरु के। जी हाँ, पुरु ने अपनी आधी जवानी महाराज ययाति को दे दी, जिसके बाद महाराज ययाति एक बार फिर से जवान हो गए और इसी के वजह से महाराज ययाति अपने बड़े पुत्र यदु से नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए थे और इसीलिए महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी ना बनाते हुए अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजगद्दी सिंहासन पर बिठाया और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े पुत्र महाराज यदु को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे वंश में जितने भी राजा जन्म लेंगे उनको कभी भी चंद्र वंश में राजा की उपाधि या चक्रवर्ती होने की उपाधि नहीं मिलेगी। इस तरह का श्राप दे दिया महाराज यदु को। अब कुछ वर्ष बीतने के बाद महाराज ययाति को अपनी संपत्ति यानी अपने जो भी राज थे उन सब का अपने पुत्रों में बंटवारा करना था। तो चूंकि अब राजा पुरु बन चुके थे, चक्रवर्ती सम्राट पुरु बन चुके थे, तो महाराज ययाति ने अपने बाकी पुत्रों को भी दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग हिस्सों में राज करने के लिए छोटे छोटे राज्य दे दिए। ऐसे ही महाराज यदु को महाराज ययाति ने एक छोटा सा राज्य दे दिया जो कि चंबल की तरफ था, लेकिन यहाँ पर महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र महाराज यदु को ऐसा क्षेत्र राज करने के लिए दिया था जहाँ पे बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे, जहाँ पे बिल्कुल भी धन नहीं था, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो एक गरीब
प्रदेश था, बंजर भूमि थी। ऐसी जगह महाराज यदु को शासन करने के लिए महाराज अयाति यानी उनके पिता ने दे दी, जबकि बाकी पुत्रों को धन संपदा संसाधन से भरे हुए राज्य दिए थे, लेकिन महाराज यदु को ऐसा नहीं दिया गया था। जिसके बाद महाराज यदु के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपना राज पाठ करने की। तो इसीलिए महाराज यदु ने अपने राज्य के संसाधन संपदा और धन को बढ़ाने के लिए गोपालन, पशुपालन और कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और इसी के वजह से महाराज यदु को गोपाल कहा गया। उनके वंश में जितने भी राजाओं ने जन्म लिया उनको गोपाल कहा गया, गाय पालने वाला कहा गया। और इसी के वजह से आज भी जितने भी यादव हैं वो गाय पालते हैं, गायों का पालन करते हैं और उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। तो ये इस सवाल का जवाब था। दूसरा, मैं आपको बता दूं, चूँकि महाराज ययाति ने महाराज यदु को राजा मानने से इंकार कर दिया था चंद्रवंश में, मतलब अपने खानदान के अंदर, तो महाराजा यदु ने अपने राज्य के अंदर जो शासन प्रशासन चलाया था वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चलाया था, यानी उनको राजा वहाँ के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना, मतलब लोगों ने अपना राजा स्वयं महाराज यदु को चुना, निर्विरोध महाराज यदु को चुना। और कहते हैं कि महाराज यदु भी जब शासन प्रशासन संभालते थे तो वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही संभालते थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जब द्वारिका का शासन प्रशासन संभालते थे तो वो भी अपने आप को राजा नहीं कहते थे, वो अपने आप को एक सेवक ही कहते थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी लोकतांत्रिक तरीके से ही द्वारिका के अंदर शासन प्रशासन संभालते थे। इनके राज्य में प्रजा को बोलने का अधिकार हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।